हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो लाइफ सूत्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी टीम कोशिश ये कर रही है कि ज्योतिष को घर घर पहुंचाया जा सके और जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो एटलीस्ट हर इंडियन को आनी चाहिए। बिकॉज आज के टाइम में मार्केटिंग के युग में लोग एक्सप्लॉइट बहुत कर रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज अगर आपको ज्योतिष की होगी तो कहीं ना कहीं आपको शोषित होने से बचाएगी। इसी प्रयास में हमने कोशिश की कि क्या 12 लग्नों के बारे में आपको बताया जाए। कुल मिला के 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों के क्या फल होते हैं, हाउ टू जज अ पर्सन थ्रू दीज साइंस, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम यहाँ पे टॉपिक ले रहे हैं 12 लग्नों की दास्तां, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए लगन क्या है और लगन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, लगन जो है वो आपने कई बार सुना भी होगा, जन्म पत्रिका को लगन पत्रिका भी कहा जाता है, और इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी और कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस लगन की है। पहले आप समझ लीजिए, कुंडली आप सबके पास होगी, और अगर अपने अपने घरों पर किसी भी रिश्तेदार की अगर आप कुंडली उठाएं या अपनी उठाएं, तो कुंडली का उत्तर भारत में फॉर्मेट ये रहता है जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपको 12 खाने नजर आ रहे होंगे। ये जो 12 खाने हैं, इन्हें 12 भाव कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हाउस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। तो 12 भाव होते हैं, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है वो होता है ये जो सेंटर में और ऊपर की तरफ है, दिस इज कॉल्ड लग्न। इसी को लग्न कहा जाता है, जो ये येलो जोन है उसको लग्न कहा जाता है। अब ये लगन एस्ट्रोनॉमिकली समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी रेलेवेंस क्या है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि लगन नेटिव के अपने बिहेवियर को दर्शाती है। वो कैसे टैकल करता है, वो प्रॉब्लम में कैसे रिएक्ट करता है। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक वो मैसेज वॉलपेपर पे लगा हुआ था, वो पढ़ रहा था, उसमें मेंशन था कि हम 10% दुखी दूसरों के व्यवहार से है और 90% दुखी हमारे उनके प्रति दिए गए रिएक्शन से है। ऊपर वाला परिस्थितियां सबके सामने रखता है, और कई बार परिस्थितियां अनुकूल होती है, कई बार प्रतिकूल भी होती है, लेकिन हम उसे टैकल कैसे करते हैं वो डिसाइड करता है कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी कि नहीं। तो हमारा बिहेवियर, हाउ वी रिएक्ट, वी कैन आइडेंटिफाई दिस थिंग फ्रॉम द लग्न। आप लगन से बता सकते हैं कि जातक कैसे व्यवहार करेगा, जातक गुस्सेल होगा कि नहीं, जातक शांत स्वभाव का है, जातक दूसरे को सुनता ज्यादा है या जातक अपनी सुनाता ज्यादा है। ये सारी गणनाएं लगन से की जाती हैं। अब देखिए, लगन है क्या एस्ट्रोनॉमिकली, खगोल शास्त्र के अनुसार समझे, ये हमारी आकाशगंगा है। आपको पता है चार दिशाएं फेमस हैं, वो दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब होता क्या है, पृथ्वी है गोल, आप पूर्व दिशा किसे मानेंगे? तो माना यह जाता है जिस दिशा से सूर्य उदित हो जाए वो दिशा पूर्व है, और फिर पूर्व में उदित होके सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए, या यूं कहे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती तो सूर्य प्रतीत होता है चक्कर लगाता हुआ, वो सुबह पूर्व में उदित होकर दोपहर को दक्षिण दिशा, या यूं कहें कि हमारे सर के ऊपर होता है, फिर पश्चिम में जाता है, अस्त होता है, और फिर रात को 12 बजे उत्तर में, और फिर दोबारा सुबह हमें अगली सुबह पूर्व में दिखाई देता है। अब ये पूर्व दिशा में जो भी राशि हो, जब आपका जन्म हुआ हो उस समय पूर्व दिशा में जो राशि नजर आ रही हो वही आपका लगन है। हमने आकाश को 12 खंडों में बांटा है। एक सर्कल, एक वृत्त जो होता है वो 360 अंश का होता है, तो 360 अंश में हमने 30-30 के 12 टुकड़े किए हैं। तो जो पूर्व दिशा का टुकड़ा है उसे हमने लगन की संज्ञा दी। अब इस कुंडली पे समझिए,
ये देखिए, येलो पार्ट के ऊपर ये सिंह राशि अगर आपको नजर आ रही होगी, ये आई मीन टू से ये एस लिखा नजर आ रहा होगा, ये लगन है। और ये भाव अगर हम लगन से गिनते हुए हैं, 1 2 3 4, तो उत्तर दिशा में जो भाव है वो चौथा भाव है, दक्षिण दिशा में जो भाव है वो दशम भाव है, और जो पश्चिम में है वो सप्तम भाव है। एक बार दोबारा समझते हैं, ये आपके सामने 12 भाव वाली खाली कुंडली है, हमने जानबूझकर इसमें कोई नंबर नहीं लिखा है। ये आप सुबह टीवी चैनल पर सुनते होंगे, न्यूज में देखते होंगे, मेष राशि का आज ये फल है, वृषभ का ये फल है, तो जो नंबर्स इनको अलॉट किए गए हैं वो आपके सामने हैं। अब मान लीजिए आपने पत्रिका उठाई और आपको लगन में 3 लिखा दिखा, तो आप देखिए यहां पे 3 का नाम है मिथुन, तो ये मिथुन लगन का जातक हुआ। उसी तरीके से यदि लगन में मान लीजिए 7 लिखा है, तो 7 के सामने अगर आप यहां टेबल में देखो तो तुला लिखा हुआ है, तो यानी जातक तुला लगन का जातक हुआ। अब आशा करता हूं कि आपको लगन क्या है ये समझ में आ गया होगा, और आप पत्रिका उठा के अपने अपने घरों पर अपने अपने सगे संबंधियों की ये देख पाएंगे कि कौन सा जातक कौन से लगन में पैदा हुआ है, क्योंकि ये बातें आपको आने वाली क्लासेस में काफी हेल्प करने वाली है। अब शुरुआत करते हैं, ये जो पहला नंबर लिखा है मेष, मेष लगन से, यदि लगन में 1 नंबर लिखा हो तो मेष लगन कहलाता है। मेष लगन राशि चक्र की सबसे पहली राशि है, ये सृजन कल्ता मानी गई है, ये माना जाता है कि क्रिएटिव राशि है, और इस राशि का जो चिन्ह है वो मेंढा है। अब मेंढा से हमें क्या समझ में आता है, अब तो खैर नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था तो हम देखा करते थे कि जैसे मुर्गों की लड़ाई की करवाई जाती थी, वैसे मेंढो या मेंढा जो भी इसे कहा जाता है उसकी लड़ाई करवाई जाती थी, और शायद पाकिस्तान में तो अब भी होता है। तो मेंढा जो है उग्रता का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है, कॉम्पैक्ट जानवर है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता लेकिन गठीला होता है, और आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी होती है। उग्रता का प्रतीक होने की वजह से हाईली एनर्जेटिक जानवर है, और जो मेष लगन वाले हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव आएगा। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने जो इन्हें चिन्ह दिए हैं वो चिन्ह का कोई ना कोई कारण था जो उन्हें वो अलॉट किए गए, राइट। उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि इस जानवर के कुछ सिम्टम इस तरह के जातक में मौजूद रहेंगे। अब देखते हैं, बेसिकली दोबारा मैं आपको बताऊं, जब लगन में 1 लिखा है तो आपका लगन मेष है, और मेष राशि का स्वामी, अब यहां इंपॉर्टेंट की बात है कि 12 राशियां, अभी मैंने आपको बताई कि 12 तरह की राशियां होती हैं, हर एक राशि का एक स्वामी भी होता है। इस राशि का स्वामी मंगल है, मंगल दंगल करवाता है, दंगल करता भी है, तो ध्यान रखिए एनर्जी ज्यादा है, एग्रेसिव है, रूड भी कई बार हो जाते हैं। ये देखिए, मेष लगन अगर है तो आपको ये चीजें उस जातक में प्राय मिल जाएगी, दिख जाएगी, और ऐसा कोई जातक जिसके जिनमें ये गुणधर्म हो, आप उनसे कुंडली लेकर उनका लगन चेक कर सकते हैं, उनमें भी आपको ये क्वालिटी मिलेगी। पहली चीज, जातक महत्वाकांक्षी है, हाईली एम्बिशियस, आगे बढ़ने की सोच रखने वाला, ये दबाव में नहीं आते, ये दूसरे पर दबाव बनाने वाले हैं, ये लीड करने वाले हैं, उग्र स्वभाव है जैसे अभी आपको बताया। और देखिए, मेष राशि पहली राशि है, इस वजह से इनका स्वभाव में थोड़ा बचपना भी होता है, मतलब एक समझदार व्यक्ति जिस बात को लेके हट ना करे, बच्चा उस बात को लेके हट कर सकता है, इसी तरह ये भी हट ही होते हैं। अगर ये आपके मेजबान बनते हैं तो आपको जबरदस्ती खाना खिलाएंगे, आप मना करते रहें लेकिन ये परोसते रहेंगे, और ऐसा बहुत कुछ है जो इनमें होता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, बच्चे दिल के साफ होते हैं, मेष लगन वाले भी दिल के साफ हैं, ईमानदार हैं, जैसा आपके सामने है वैसे ही आपके पीछे बिहेव करते हैं, छल नहीं होता, और साहसी है। बहस करवा लीजिए इनसे, बहस में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, या ये मौका ढूंढते हैं कहाँ पर बहस हो सके। अच्छा,
जिस चीज के ये पालन में लगते हैं, जिस चीज को अपना एथिक मानते हैं। धर्म पालन का मतलब यहाँ सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है, धर्म पालन का अर्थ यहाँ पर है व्यक्ति में अपने कर्मों के प्रति निष्ठा। मतलब वो जिसको भी फॉलो कर रहा है, वो जिसके भी अपना सगा मान रहा है, उसके लिए वो दिल, क्या आप कहेंगे, अपनी जान निछावर कर सकता है। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और प्राय इनको जीवन के स्टार्टिंग पॉइंट पर स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके कई रीजन ये भी है कि देखिए, अगर आप में हट है, आप में ऊर्जा है, लेकिन आप में डिप्लोमेसी नहीं है, आप में आज के आप कलयुग चल रहा है तो थोड़ी डिप्लोमेसी रिक्वायर्ड है, बट अनफॉर्चुनेटली मेष लगन उसमें लैक करता है, उनमें इस चीज की कमी रहती है। निर्णय ये बड़ी जल्दी लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग लीड करते हैं समाज को, लीड इसलिए करते हैं कि जब दूसरे व्यक्ति उस बारे में सोच रहे होते हैं, ये करके भी उसको निपटा लेते हैं। आप एक बात और देखिएगा, जो ट्रेंड सेटर होते हैं, जिन्होंने अपने स्वयं के मेहनत से कुछ नया इनोवेटिव किया, अगर वो मान लीजिए फेल हो जाते, तो हम ये बोलते कि ये लोग बेवकूफ हैं, समाज के बताए गए रास्ते पर नहीं चला, कुछ नया किया और उसमें इनको तो गिरना ही था। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर वो सफल हो जाते हैं, तो वो ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। तो मेष लगन में ट्रेंड सेटर बनने के गुण हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी की कमी नहीं है, ये निर्णय भी जल्दी लेते हैं, तो ये बातें मेष लगन के लिए पॉजिटिव है। आपातकाल में मेष लगन जातक बहुत ही खूबी से स्थिति को संभाल लेता है। ये क्या बात हुई भाई? देखिए, जो जल्दी निर्णय लेगा, जो जिसमें एनर्जी लेवल हाई है, सोचने में समय व्यर्थ नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपातकाल है तो वहां सोचने में आप ज्यादा समय नहीं लगा सकते, तो ये व्यक्ति उसमें बड़ी अच्छी से स्थिति को संभाल लेता है। एनर्जी लेवल हाई है, पर ये चर राशि है, मेष लगन एक चर राशि कहलाती है, इट्स अ मूवेबल साइन। तो ये लंबे लंबी फॉर्म में अपनी जो एनर्जी है उसको सस्टेन नहीं कर पाते। ये शुरुआत तो बहुत तेजी से करते हैं, लेकिन इन मीन वाइल कहीं ये अपनी उस एनर्जी को लूज कर देते हैं। या मैं इसको इस तरह समझाऊं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपना कोई नया काम आरंभ करता है और बड़े जोर शोर से सबसे झगड़ा करके कैपिटल वगैरह अरेंज करके काम स्टार्ट कर देता है, बट हर एक स्टार्टअप में यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, राइट? तो अगर आप 1-2 साल उसको नहीं देते और बीच में आप बोर होकर चेंज कर लें, तो ये बहुत बुरा होता है। यही चीज मेष लगन के लिए ड्रॉबैक है। अगर आप मेष लगन के जातक हैं, तो हमारा सुझाव यही रहेगा कि आप अपनी ऊर्जा बचाएं, नो डाउट तेजी से काम आरंभ करें, लेकिन आप बीच में काम को ना छोड़ें, आप उसको कंप्लीट करके हटें, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और ये थोड़े मस्कुलाइन या मैनली होते हैं। मैनली मतलब आप समझिएगा, मेष लगन तो वैसे भी पुरुष संज्ञक है, लेकिन ये अपनी बातों पर अड़ने वाले, लड़ने वाले, थोड़े मस्कुलाइन साइन है। नॉर्मली ऐसे लोगों को ऑपोजिट जेंडर में और पर्टिकुलरली फीमेल पसंद करती हैं। संबंधों में मालिकाना हक समझते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया भी कि अगर एज अ होस्ट ये आपके सामने आ जाए, तो ये आपको ऐसे आपको ट्रीट करेंगे जैसे इनसे पूछे बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। आपको खाने के लिए सर्व करना है तो इनकी मर्जी से करना पड़ेगा, जैसे ये कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। ये कोशिश करते हैं अपना दबाव बनाए रखने की, और क्योंकि ये उग्र हैं, स्वभाव के तेज हैं, क्रोधी हैं, इस वजह से कहीं अगर इन्हें धोखा मिल जाए तो ये बहुत बुरे बन जाते हैं, और ये बहुत जल्दी ही नेगेटिव रिजल्ट देने लगते हैं सामने वाले को, विच इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ गुड साइन। इसी वजह से मैरिड लाइफ पर भी मैं यहां बोलना चाहूंगा कि जनरली एरीज असेंडेंट की मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती। रीजन उसका एग्रेशन है, डिप्लोमेटिक बिहेवियर, सामने वाले को समझना, सामने वाले की बातों को सुनना, ये इन चीजों में लैक करते हैं। ये चाहते हैं कि ये अपने आप को दूसरे पर इम्पोज करें और सामने वाला इस बात को समझे। तो यदि सामने वाला रिसेसिव है, दबा हुआ है, तब तो मेष लगन वालों की मैरिटल लाइफ अच्छी है। बट अगर सामने वाला भी सर उठाना जानता है, अपनी बात रखना जानता है, उस केस में मेष लगन अच्छा काउंट नहीं होता, और मैरिटल लाइफ मोस्ट ऑफ द चार्ट आई हैव सीन टिल नाउ, उनकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब रही थी। ये कुछ साल हैं, इन सालों का विशेष ध्यान रखना चाहिए मेष लगन वालों को।
जो आपको शुभ वर्ष बताए गए हैं, इन सालों में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलती है। कोई स्टार्ट, कुछ कार्य इनिशिएट होता है, जॉब नहीं मिल सकती है, ये सब है। इसके बारे में मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगा। यदि आप किसी मेष लगन वाले जातक को जानते हैं या आपका मेष लगन है, तो आप बताइए कि क्या इन सालों में ये घटनाएं घटित हुई, ये साल अच्छे थे या ये नीचे वाले साल बुरे थे। तो ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट हमें सुनने के लिए, और हमारी मेहनत आपके सामने है। अगर आपको लगता है हमने अपने ओर से अच्छा प्रयास किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और आगे इसको फॉरवर्ड करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने चार्ट को समझ पाएं और आगे चलकर लोगों से बेवकूफ़ बनने से बचें। और दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।